बात की करें या आप जाफराबाद में मौजूद है, वहां की तस्वीर भी जुदा है। दोनों रिपोर्टर हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर असम से जो मिल रही है, सीए से जुड़ी हुई, वो बता दे यहां पर विरोध जो है वो देखने को मिला है। असम के कई शहरों में सीए के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। केंद्र के फैसले के खिलाफ सड़कों पर जनता उतर आई है, पोस्टर बैनर जलाते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं। असम में पिछली बार भी देखा गया था 2020 के वक्त कैसे लोग सड़कों पर उतर आए थे। सीए का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिला था, असम उसमें से एक है जहां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट सीए के खिलाफ हुआ था। असम के लोगों का कहना है कि कई ऐसे बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो भारी संख्या में उनके राज्यों में घुस चुके हैं और अगर उन्हें नागरिकता मिलती है तो उनके संसाधनों पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए एक बार फिर से असम में विरोध देखने को मिला है। असम की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहीं देखिए सीए लागू होने के साथ ही, नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपने कहा है सीए को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया, सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आपने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है, सीए मंजूर नहीं है ये कहना है आपका। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सीए को लेकर आपत्ति दर्ज करवा रही हैं। यहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपने भी कहा है कि उन्हें सीए मंजूर नहीं है। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है, आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है, आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश की युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए। बिल तो पास हो गया था 19 तारीख को ही, मतलब 2019 को ही, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर बहुत सारे झमेले की वजह से ये चीज हो नहीं पाया, तो इसका नोटिफिकेशन अब जाके पास हुआ। तो अभी जो बोला जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन का फायदा लेने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इलेक्शन का फायदा ये तो बहुत पहले ही बिल पास हो गई थी, लेकिन किसी कारण से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर ऑपोजिशन इस चीज़ को अलग तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए और उनको मिस अंडरस्टैंडिंग करवा रही है इस चीज़ को, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।